आपके पास सो यू रिमेम्बर हमने 2D डैग के ऊपर काम करना शुरू किया और 2D डैग के ऊपर जो प्रॉब्लम था वो था कि अगेन आपके पास एक 2-dimensional डैग है और आपके पास ये एक सोर्स है और ये डेस्टिनेशन है और आप चाहते क्या हैं कि इस सोर्स से डेस्टिनेशन तक फॉर एग्जांपल लॉन्गेस्ट पाथ का या आप चाहते हैं जी स्मॉलेस्ट पाथ का शॉर्टेस्ट पाथ का ठीक है तो वन आइडिया कुड बी कि मैं इसकी रिकरेंस बनाऊं तो रिकरेंस है ये मेरी डेस्टिनेशन है जहां मैं पहुंचना चाहता हूं तो इसकी डेस्टिनेशन की रिकरेंस बनेगी वो रिकरेंस क्या होगी कि या तो मैं मेरा जो भी लॉन्गेस्ट पाथ होगा वो बकर या तो बेटा वो यहां से आएगा लॉन्गेस्ट पाथ क्योंकि तीन ही रास्ते हैं जहां से आपका लॉन्गेस्ट पाथ है कोई और तो बड़ी आ सकता जब कहते नहीं आ सकता तो या तो यहां से आएगा या वो यहां से आएगा या वो यहां से आएगा ओके आपका जो लॉन्गेस्ट पाथ है वो इन तीन राउंड में से किसी एक राउंड से आ सकता है अग्री ओके एंड नाउ लुक एट दिस व्हाट वी विल गोइंग टू डू इज वी विल से लेट्स से ये रिकर्जन हमें आंसर लगे क्यों क्योंकि ये बड़ा प्रॉब्लम है ये से छोटे प्रॉब्लम है ना सो ऑल वी हैव टू डू इज फाइंड द वन व्हिच गिव्स यू द मैक्सिमम पाथ सो इसका आंसर है +6 जो इसका आंसर है +4 जो इसका आंसर है +9 इनमें से जो भी मेरा मैक्सिमम आंसर है वो मैं चूज करूंगा ये बात समझ सो लुक एट दिस सो रिकरेंस इज द फॉलोइंग कि मैं कहता हूं कि मैं मैक्स चूज करूंगा आई जो एल एम माइनस वन और n माइनस वन प्लस फोर के ऊपर है डायगनली हमने कहा था कि हमारी तमाम एजेस जो है वो 4 वेट की है ना या क्या होगा एल एम माइनस वन एन प्लस जो इसके कोरिस्पॉन्डिंग वेट होता है ओके जो कि यहां पर कितना है 6 है लेकिन यहां पर 2 है हर एक कैटेगरी में है ना और यहां पर क्या होगा एम एन माइनस वन इनके कॉलम में हम यहां पर थे और यहां पर ये वाला जो वेट है वो कितना है यहां पर वेट वाला है तो इनमें से जो भी हमें मैक्सिमम लीड कर रहा है वो हमारा लॉन्गेस्ट पाथ है अभी बड़ी अभी और अगर मैं शॉर्टेस्ट पाथ निकालना चाहूं तो क्या होगा सबसे शॉर्ट हां तो फिर हम यहां पर मैक्स की जगह क्या लिख देंगे मेरे ओके दैट इज माय रिकरेंस एवरीबॉडी अंडरस्टैंड ये कंप्लीट डेफिनेशन नहीं क्यों बेसिस और बेसिस इसके एक नहीं है बेसिस के मल्टीपल है और वो ये है कि अगर मेरे m की वैल्यू 0 m की वैल्यू 0 का मतलब है आई एम इन द फर्स्ट रो हियर इफ आई एम इन द फर्स्ट रो व्हाट डज दिस इंप्लाई जी बिल्कुल अगर हम इस रो में हैं तो हमें पता है कि हमारा जो भी पाथ आएगा वो हम अगर मैं यहां पे बैठा हूं तो पाथ मेरे यहां से है अगर मैं यहां बैठा हूं तो पाथ हमारा यहां से है अगर मैं यहां पर हूं तुझे पता है मेरा पाथ यहां से है मेरा कहीं और से पाथ आ सकता ओके सो लुक एट द बेस केस अगर मैं एक जीरो रो में बैठा हूं एम मेरी जीरो है तो इसका मतलब है कि जो मेरा आंसर होगा एल एम एन का वो होगा एल जीरो एन माइनस वन में मैं ये इस प्रॉपर्टी जो भी मेरा वेट करता ठीक है और अगर मैं यहां पर जा रहा हूं तो इसका मतलब मेरा कॉलम जीरो है कॉलम जीरो के केस में हम क्या करेंगे जो इससे पीछे वाली एंट्री है उसमें हम ये आएगा ठीक है एवरीबॉडी अंडरस्टैंड एवरीबॉडी ठीक है तो दिस इज माय रिकर्जन ओके अब सवाल मेरा ये है कि अगर मैं ये कंप्यूट करना हो तो ये मेरी रिकर्जन वो पीछे है और ये काफी कॉस्टली है अगर हम इसको मेमोराइजेशन में कन्वर्ट करना तो मेमोराइजेशन करने से सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा हमें 2D वेक्टर बना लेंगे 2D वेक्टर बना के पहले हर एक ऊपर वेट सेव कर देंगे डिपेंड करता है कि आप क्या कंप्यूट करें अगर आप कंप्यूट करें क्या अगर आप लेट्स से लॉन्गेस्ट पाथ निकाल रहे हैं तो हर एक ऊपर माइनस इनफिनिटी रखें लेट्स से माइनस वन रख दो ठीक है और अगर आप शॉर्टेस्ट पाथ निकाल रहे हैं तो हर एक ऊपर पॉजिटिव इनफिनिटी और आप उन तीनों से कौन चूज कर रहे हैं आपने मिनिमम या मैक्सिमम जो भी आपके ये प्रॉब्लम में रिस्पोंडेंस करती है एवरीबॉडी अंडरस्टैंड ओके सही है ये आपने मेमोराइजेशन से कर दिया जब आप इसको टॉप डाउन से करेंगे टॉप डाउन से करने में क्या होगा टॉप डाउन में हमें करेंगे बेस केसेस से आगे से काम करना शुरू करते हैं यानी कि यहां से आप अपना प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करना शुरू करते हैं यानी वन वन इज द फर्स्ट एंट्री जो कि आप कंप्यूट करेंगे और आपकी रिकरेंस भी बदल जाएगी रिकरेंस एक्चुअली क्या बन जाएगी मतलब ये बन जाएगी तो आपने आई जे से शुरू करना ये आपका बॉटम अप ये पुराना जो पहला था वो आपका टॉप डाउन था क्योंकि जहां प्रॉब्लम है प्रॉब्लम से हम नीचे की तरफ आते हैं
ये वजह नहीं तो वहां पर टॉप डाउन है, ये आपका बॉटम अप। बॉटम अप का मतलब ये, बॉटम अप मतलब लगता है ये लगता है ये बॉटम अप नहीं, ये बॉटम नहीं है। हम जब टॉप डाउन की बात करते हैं, हमने जो डेस्टिनेशन है वहां से निशान ये वाला कौन सा बॉटम अप, ये बॉटम अप, और जो पहले वाला था वो कौन सा टॉप अप। शाबाश, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, ठीक है। सो मैं यहां पर एल आई जे से शुरू करता हूं, और आई जे मेरा जो पहला ऑर्डर, ये आई और जे दोनों मेरे ग्रेटर देन 0, यानी कि मैं एक्चुअली पहली एंट्री ये कंप्लीट करूंगा। तो ये कंप्लीट करूंगा तो ये मेरे ये वाले पहले के पहले मैंने रख दिए होंगे, तो ये मेरे बेस केसेस पहले चल चुके हैं। बस इतना, ठीक है, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड। फिर हमने दो बड़े खूबसूरत प्रॉब्लम सॉल्व किए थे, एक का नाम है एडिट डिस्टेंस, और एडिट डिस्टेंस के अंदर एडिट डिस्टेंस प्रॉब्लम इज कि आपके पास दो स्ट्रिंग्स दी हुई, आपने बताना है कि आपने इस तरह से मैचिंग करवाते हैं कि यू वॉन्ट टू मिनिमाइज द कॉस्ट, ओके। और व्हाट इज द कॉस्ट, कॉस्ट इज कॉस्ट इज कि अगर आपने, अगर एक लेटर यहाँ पर है और एक लेटर यहाँ पर है, अगर आप इस लेटर को किसी से भी कंपेयर ना करवाएं और आगे चले जाए, तो इसका मतलब क्या है, आपने एक्चुअली ऊपर वाले स्ट्रिंग का एक लेटर डिलीट किया, अगर आप नीचे वाले का एक स्ट्रिंग का लेटर आगे एक्सपीरियंस कर रहे हैं, मतलब क्या है कि आपने नीचे वाले स्ट्रिंग का क्रेडिट डिलीट किया, दोनों आपको कितनी को कॉस्ट है, दोनों आपको वन वन कॉस्ट है। क्या ये बंद कर रहा है, क्या बात है। सिमिलरली अगर मैं इसका भी एक लेटर स्किप करूं और इसका भी एक लेटर स्किप करूं, तो उसमें क्या होगा, आप डिपेंड करता है कि दोनों के लेटर मैच करते हैं या नहीं मैच करते हैं। अगर दोनों के लेटर मैच नहीं करते, इसका मतलब जीरो पे जीरो कॉस्ट हो पा, और अगर वो मैच करते हैं तो मुझे कॉस्ट कितनी मिलेगी, दो कॉस्ट मिलेगी मुझे चाहिए। और ओवरऑल आप करना क्या चाहते हैं, आप अपने प्रॉब्लम को जो एडिट डिस्टेंस प्रॉब्लम को कहता है कि मैंने कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, और अगर दो वर्ड्स जो हैं हम कहेंगे वो सिमिलर हैं, अगर उनके दरमियान में एडिट डिस्टेंस की कॉस्ट है वो क्या है, कम से कम, ठीक है, ये बात समझ। और डिक्शनरीज जो हमारी होती हैं वो इसी तरह से होती है कि हम देखते हैं कि किसकी कॉस्ट मिनिमम आ रही है, किस वर्ड की डिक्शनरी में कॉस्ट इससे मिनिमम है, वो हमारा वो क्या होना चाहिए, डिड यू मीन दिस, ओके, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, ठीक है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज ऑल द हॉरिजॉन्टल एजेस मींस आई एम स्किपिंग वन कैरेक्टर ऑफ दी स्ट्रिंग नंबर 2, देन आई स्किप अ लेटर, इट मींस इट विल गोइंग टू गिव मी अ कॉस्ट ऑफ 1, सो ऑल द हॉरिजॉन्टल एजेस हैव अ कॉस्ट ऑफ 1, and similarly all the vertical edges means I am skipping a letter of this, so S1, it means it will going to give me again a cost of 1, okay, and all the diagonal edges, they could be matching edges, if they are matching edges, for example if you look at this C, ye C is A se match karta hai, nahi karta, to ye kisi cost hamari 1 hogi, aur C is G se match karta hai, nahi karta, to iski bhi cost 1 hogi, बट सी इस सी से मैच करता है, करता है, ये हमने रेड किया हुआ, इसका मतलब इसकी कॉस्ट मैच नहीं है, जीरो है। तो एक्चुअली सी जो है ये वाला रेड था ना, कौन सा रेड, सेकंड में ये ये नहीं नीचे वाला, ये वाला ये ए है ना, ये ए और ये भी ए है, तो ये रेड है, ये मैच कर रहा है, ये मैच, ठीक है, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, ओके, ये आप दोनों के यहां पर यार प्लीज आप अटैक कर दो, अटैक कर दो बेटा, आप क्या करो, तो दरम्यान में आप और दरम्यान में क्या, ओके, सो फार सो गुड। नाउ द थिंग इज ओवरऑल आप जो हमने प्रॉब्लम सॉल्व करना है वो क्या हुआ कि हमने यहां से यहां तक क्या निकालना है, शॉर्टेस्ट पाथ या लॉन्गेस्ट पाथ, हमने शॉर्टेस्ट पाथ निकाला, ओके, हमें शॉर्टेस्ट पाथ, इसका मतलब है कि हमारी रिकरेंस बनेगी उसमें मिन होगा या मैक्स होगा, मिन, यू वांट टू मिनिमाइज द ओवरऑल कॉस्ट, तो आपने क्या था लॉन्गेस्ट कॉमन सीक्वेंस, लॉन्गेस्ट कॉमन सीक्वेंस और एडिट डिस्टेंस में जरा बड़ा भी फर्क नहीं है, अरे कंसेप्ट क्यों दिया गया, क्योंकि उसमें आप क्या कह रहे हैं, वहां पे कॉस्ट को मिनिमाइज करें या फिर मैं कॉमन रीजन को मैक्सिमाइज करूं, कॉमन रीजन को मैक्सिमाइज करने का सेंसली मतलब ये है कि मैं कॉस्ट को ओवरऑल क्या कर रहा हूं, मिनिमाइज कर रहा हूं, ठीक है ना, द ओनली डिफरेंस इज कि यहां पर समझ नहीं आती आपकी क्या कहना चाहते हो, देखो अगर मैं कहता हूं दो स्ट्रिंग के दरमियान में कॉमनैलिटी को बढ़ाना चाहता हूं, तो मैं कॉमनैलिटी को बढ़ाना चाहता हूं, उसका मतलब है कि मैं जो डिफरेंस है उसको घटाना चाहता हूं, तो वही बात, तो बट द ओनली डिफरेंस इज कि मैं इस चीज को यहां से नहीं देख रहा, मुझे भी यहां से,
वहां पर मैं इंटरेस्टेड था मान मैचिंग करेक्टर हूं तो वो मिनिमम होनी चाहिए। यहां मैं इंटरेस्टेड टू मैचिंग करेक्टर हूं, मतलब मैचिंग करेक्टर का मतलब उसे मैक्सिमम है, ठीक है। तो यहां पर डिफरेंस होगा, बट डिफरेंस ये होगा कि यहां पर जो हॉरिजॉन्टल एजेस होगी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल एवरी हॉरिजॉन्टल एज का मतलब मैं एक लेटर स्किप कर रहा हूं, ठीक है ना। और किसका? ऊपर वाली का, S2 का। इसका मतलब है कि वो अगर एक लेटर स्किप हो गया तो वो मैच नहीं कर सकता, तो उसकी उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, उस एज की वैल्यू क्या होनी चाहिए? तो इसका मतलब है कि वो मुझे मुझे जो मेरी कॉमनैलिटी में कोई इजाफा नहीं, तो इट्स लाइक ए काउंट, तो काउंट में मेरा कोई इजाफा नहीं, इसमें डिफरेंस में जीरो है। हां, यहां पे डिफरेंस नहीं, यहां पर मैच यूज है, उसमें इसी तरह के सवाल उठाने, इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, इट्स ऑल, ठीक है। सो कीप दिस इन माइंड। अब मैं दोबारा एडिट, ये तो था हमने जब हमने डैग की नोटेशन में ये सवाल को सॉल्व करने की कोशिश की, ठीक है। अब मैं इसको डैग को यहां से रिमूव कर रहा हूं। डैग को रिमूव करने का मेरा क्या मतलब है कि मैं टू डायमेंशनल अरे में इसको सॉल्व करूंगा और कोई पॉइंटर मैं नहीं जानता। तो पहले इसका एडिट डिस्टेंस का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। एडिट डिस्टेंस, व्हाट विल बी माय रिकरेंस? माय रिकरेंस विल बी कि मैं एक्चुअली एक मैट्रिक्स बना हुआ कितने बाय कितने डायमेंशन, n by m की, अगर m by n कहते हैं, अगर पहली स्ट्रिंग की लेंथ m है, उसी की लेंथ n है, तो हम m plus 1 by n plus 1 की हम अरे बना देते हैं। क्यों plus 1? क्योंकि आप देखो क्यों उसके ऊपर तक आता है। plus 1 क्यों कहा है? क्योंकि 0 से 0, 0 का मतलब क्या है? 0 i या j 0, ये मैंने रखवाना है। क्यों रखवाना है? कि मैंने पहली स्ट्रिंग का कोई भी लेटर ले लिया और दूसरी स्ट्रिंग के मैंने जे कैरेक्टर ले लिया, तो मुझे एक रो ज्यादा ऐड करनी पड़ेगी। मैंने पहली वाली का कुछ भी नहीं देखा, ओके? जो बेस केस रखवाने हैं वो मैंने अपनी एक्स्ट्रा अरे में रखा। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? एंड नाउ हियर विल बी माय रिकरेंस। रिकरेंस विल बी कि ई आई जे, ये मेरी बॉटम अप रिकरेंस है या टॉप अप? ये बॉटम, ओके। सो ई आई जे विल बी इक्वल टू द मीन ऑफ, यहां पे आ रहा 1 प्लस I minus 1 J. Why 1 plus? क्योंकि किसके किसके किसकी वजह से एक cos पड़ी है? किसकी string में मैंने एक add किया है? यहाँ से मैं यहाँ आया। पहली string का मैंने character miss किया या दूसरी का? पहली का, okay? और इधर मैंने क्या किया? जो दूसरी string आया था character miss किया। इधर मैंने क्या किया? दोनों का एक character miss किया है, but with a difference. And the difference is कि या तो वो मैच करेगा या वो मैच नहीं करेगा। अगर वो मैच नहीं करता तो मुझे कॉस्ट आएगी 1 की, और अगर अगर मैच करता है तो कॉस्ट आएगी मेरी 0। हरीश, ये फंक्शन बताओ कैसे लिखेंगे? डिफरेंस डिफरेंस को आई पास हो रहा है और जे पास। हां जी, इसकी रिटर्न टाइप है इंटीजर, बताएं कैसे लिखेंगे? जी, कब इसने 1 रिटर्न करना है, कब इसने 1 रिटर्न करना है या 0 रिटर्न करना है, और कब इसने 1 अब जब मैच हो जाएगा तो फिर हमने 0 रिटर्न करना है। इसका मतलब है S1 की ith एंट्री और S2 की jth एंट्री, अगर ये डबल इक्वल टू आ जाए तो मैं रिटर्न 0 करूंगा, अदरवाइज मैं रिटर्न 1 करूंगा। ये मैंने कौन सी रिकरेंस लिखी है? बॉटम। अगर मैं कहता कि मैंने टॉप डाउन लिखी है, फिर जी राइट, टॉप डाउन अगर मैं लिखने को कहता तो क्या होगा? यहाँ पे हो रहा था ई, यहाँ पे होता है M, N, ठीक है? इसका ना ये नहीं है, तो ये कहाँ से? कहाँ जुटता है?
ये क्या हो जाएगा मिनिमम ऑफ बताएं मुझे यहाँ पे क्या था वन प्लस हाँ जी टेन यहाँ पे क्या था ई एम माइनस वन कॉमा एन वन प्लस ई एम एन माइनस वन ठीक है और यहाँ आ जाएगा डिफरेंस ऑफ एम एन प्लस ई एम माइनस वन एन माइनस वन फिर तो सेम ही दोनों हाँ फाइंड तो सेम क्या फर्क सर उधर स्टार्ट से ले रहे हैं एम और एन तो आई क्या फर्क है सर उधर से स्टार्ट से ले रहे हैं इधर एंड से ले रहे हैं यहां से हम आई जे इंक्रीमेंट करते जाएंगे ऐसे और यहां पर हम एम एन से नीचे आ गए तो इसमें देखो इंक्रीमेंट यहां पे जो आई जे है ये आई जे जो लूप लगा ना तो आई का इंक्रीमेंट लगा और जे का भी इंक्रीमेंट का लूप लगा मैं अभी दिखाता हूं और इसमें क्या हुआ इसमें रिकर्सिवली पीछे आ तो ये एक्चुअली रिकर्सिव कॉल बन गया जी जो बॉटम ऑफ है नीचे वाले जो है वो बटन चलिए वाली टॉप दो आईजी वाली वाली आईजी वाली जो है वो बटन ठीक है अभी बड़े इंस्टेंट ठीक है तो आपकी जो असाइनमेंट है उसमें हर सवाल पहले आपने ऐसे करना है फिर इसके साथ मेमोराइजेशन करनी है फिर आपने इसका फिर इसका आपने बॉटम ऑफ दिखाई नीचे वाली ठीक है और मैं बता रहा हूँ आपके एग्जाम में एक सवाल सोलह इस तरह का होगा नया प्रॉब्लम दिया जाएगा आपको और उसकी पहले रिकर्जन बनानी होगी कुछ मीन आपको ये बनाना फिर आपको कहा जाएगा कि इसका इसका रिकर्सिव कोड लिखे फिर क्या कहा जाएगा इसका मेमोराइज कोड लिखे फिर कहा जाएगा कि इसका अब आइटरेटिव कोड लिखे आइटरेटिव रिकर्सिव का मतलब है ये वाली रिकर्सिव लिखे और फिर इसका बॉटम ऑफ कोड लिखे डेफिनेशन ऑफ कोड लिखे ये बात समझ आई तो कीप दिस थिंग इन माइंड के वन डायमेंशन में भी आएगा और टू डायमेंशन में भी आएगा ठीक है तो ये दो सवाल तो पक्के हैं मैं पहले बता ठीक है तो इसीलिए ये असाइनमेंट भी बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको सारे के सारे जो है वो बताया कि इस तरह को ये सारे जाएगा और सारी वर्जन अगर पता ठीक है लुक एट दिस कोड जी ये कौन सा कोड है टॉप डाउन बॉटम अप ये बॉटम अप पहले आपने सारी एक मैट्रिक्स इनिशियलाइज करवा दी ये जो दो लूप लगे हुए हैं ये किन किन वैल्यूज को इनिशियलाइज करते हैं कौन कौन से ये पहली रो इनिशियलाइज हो जाएगी और पहला कॉलम इनिशियलाइज हो जाएगा ओके और फिर जब ये पहली दफा लूप चलता है i = 1 j = 1 वाला तो ये क्या करेगा ये जब पीछे जब i - 1 j - 1 की तक ये वैल्यू देखता है तो एसेंशियली यहां से ये वैल्यू कंप्यूट करने के लिए तो ये पहली तीन वैल्यू चाहिए होती तो फॉर एग्जांपल पहली वैल्यू ये कंप्यूट होगी ना तो ये कंप्यूट करने के लिए इसको ये तीनों वैल्यू चाहिए और पहली कंप्यूट और ये वाली कंप्यूट करने के लिए इसको ये वाली तीन वैल्यू चाहिए पहले कंप्यूट करने के लिए डज इट मेक सेंस डज इट मेक सेंस यस सो आवर बॉटम अप बॉक्स ये बात सुन रही सर यहां पे कि ये है ये फंक्शन कॉल प्लीज बात सुन ये ई में फंक्शन कॉल कर रहा है ई में ये फंक्शन कॉल नहीं कर रहा ये मैट्रिक्स देगा ये जो डीपी भी है ना डीपी में उसने इवन मैट्रिक्स को भी जब देखना होता है ना तो वो फंक्शन कॉल ये मैटलैब में भी ऐसा होता है मैटलैब में आप मैट्रिक्स को तो वहाँ पर आपको एम एन पास हो रहा होगा तो यहाँ पर बेस किससे लगे हुए बेस किससे लूप नहीं लगा हुआ बेस में क्या लगा एक बार आई की वैल्यू जीरो है तो एम की वैल्यू जीरो है या एन की वैल्यू जीरो है तो आप क्या रिटर्न कर देंगे जो भी जे की वैल्यू हो तो एन की अगर एन की वैल्यू जीरो तो एन रिटर्न कर देंगे और एन की वैल्यू जीरो है तो एम रिटर्न कर देंगे ठीक है तो आपने दो बेसिस लगे हो ठीक है और यहाँ पर क्या हो रहा होगा यहाँ पर आप रिकर्सिव कॉल कर रहे तो ये लाइन लिखी होगी आपके पास और ये दो लूप होंगे नहीं कोई लूप नहीं हो सकता सिर्फ रिकर्सिव कॉल तीन लाइनों के रिकर्सिव कॉल हो रही होगी और वो रहा इनमें से जो भी मिनिमम है वो रिटर्न कर रहा है बस ना तो कोई लूप नहीं होगा उसके अंदर ओके सर ये रिटर्न एमएन क्यों कर रहा है रिटर्न एमएन क्यों कर रहा है आप बताएं क्योंकि मुझे लास्ट एंट्री पे आंसर पड़ा हुआ है डेसिमल वाली जो तो एमएन पे अपन आंसर ये बात समझ गए रिकर्जन में भी है रिकर्जन में तो आप एक्चुअली उनमें से उसके जो मिनिमम आ रहा है रिटर्न कर रहे ओके एवरीबॉडी अंडरस्टैंड एवरीबॉडी अंडरस्टैंड अगर आप कहते तो मैं आपको ये कोड लिख देता हूं ये देखिए ये एडिटर डिस्टेंस है
इसको ये एम और एन पास हो रहा है ठीक है, और अगर एस वन और एस टू की पास हो रही है वो मैं नहीं आ। तो जी हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे रिटर्न जी ई ऑफ एक्चुअली मिन ऑफ ई, हाँ जी बताए एम एन, एम एम एन नहीं, एम एन तो मैंने प्रॉब्लम एक्चुअल एम माइनस वन एन एन प्लस वन ठीक है, या ई एम एन माइनस वन प्लस वन आ गया है ई एम माइनस वन एन माइनस वन हाँ जी प्लस डिफरेंस ऑफ हाँ जी एम और एन ठीक है, ये ब्रैकेट यहाँ पे बात ये कोड है दैट्स इट, ये आपके रिकर्सिव ये पे टॉप डाउन रिकर्सिव कोड है दैट इज इट ओके। लेकिन एक बेस केस मिसिंग है और बेस केस मिसिंग क्या है, इफ एम इज इक्वल टू जीरो रिटर्न एन, इफ जी एन इज इक्वल टू जीरो रिटर्न एन एन ये आपका एक कोड ठीक है। आपने कौन सा कोड लिखा है, ये टॉप डाउन रिकर्सिव अनमेमोराइज्ड नॉट मेमोराइज्ड, मेमोराइज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इससे पहले एक और ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाना पड़ेगा जिसमें आप टू डायमेंशनल अरे बनाएंगे, वेक्टर ऑफ वेक्टर बनाएंगे, उसमें हर जगह पे अगर मिनिमाइज कर रहे हैं तो पॉजिटिव इंटीग्रिटी का पार्ट सर इसकी वैल्यूज कहां पे सेव करेंगे, इसकी रिटर्न पे, रिटर्न पे ये जब भी अंदर रिटर्न होती है तो मिनिमम निकालेंगे फार्मूला उसको ई एम एन के ऊपर वैल्यू रखवा ठीक है, और वाइट फॉर वैल्यू डाल दो जिस जिस के लिए एम एन के लिए बिल्कुल ठीक है, राइट ये हो गया आपकी आईडी डिस्टेंस की इंप्लीमेंटेशन, बिल्कुल ऐसे ही आपकी जो रिकरेंस बनती है वो कॉमन लॉन्गेस्ट कॉमन सीक्वेंस की बनती है, अगर वो मैच करते हैं तो जो प्रीवियस का आंसर आपने मैच का निकाला हुआ है उसमें आप वन ऐड करें, अदरवाइज आप क्या करेंगे इन दोनों में से जो भी मेरा मैक्सिमम है वो हम रिडक्ट करते हैं, यानी एक कैरेक्टर इसका काम करो या एक कैरेक्टर इसका काम करो, और अगर इन दोनों में से जो भी मैक्स है वो रिडक्ट करो, ये बात समझ रहे हैं, ये हमारी एग्जैक्टली सेम रिकर्स बनती है, बस द डिफरेंस इज काइंड ऑफ ऑब्वियस ओके। और ये मैं थोड़ा सा यहाँ दिखा रहा हूँ आपको, ये आपका एग्जैक्टली वही सेम कोड है, द डिफरेंस इज कि यहां पर आप जब हॉरिजॉन्टल के ऊपर क्या रखवाएंगे, ये वर्टिकल के ऊपर क्या रखवाएंगे जीरो, जीरो का मतलब मैंने मैच नहीं किया, और यहां पर क्या रखवाएंगे, यहां पर भी हम जीरो रखवा देंगे, इसका मतलब मैंने कॉलम वाइज जो है वो भी मैच उतर नहीं किया, और यहां कहते हैं अगर वो इक्वल होते हैं तो मैं प्रीवियस सेल में एक इंक्रीमेंट हो जाएगी जूम कर जूम कर उसमें मैं प्लस 1 कर दूंगा, और यहां पर मैं बुक कीपिंग में एरो से करूंगा ओके। और यहां पे क्या होगा, अगर अदरवाइज मैं अगर ये वाला बड़ा है तो मैं अप एरो सेव करवा दूंगा, और अगर ये वाला बड़ा है तो मैं यहां पे लेफ्ट एरो सेव करवा दूंगा। सो एक्चुअली इन द एंड क्या आता है, कुछ इस तरह की चीज बनती है कि ये आपकी जो अरे कौन सी वाली अरे है, ये सी अरे है, और ये जो एरो सेव हुए हैं ये कौन सी वाली अरे है, जो एरो सेव हुए हैं वो एक्चुअली सी और आपकी बी वाली अरे है, तो बी अरे है वो किस टाइप की होगी, वो कैरेक्टर डेटा की, क्योंकि आपने ये एरो सेव करना है ठीक है, किस जगह पर आंसर पड़ा हो बी के एम एन के ऊपर आपका आखिरी, वहां से आपने क्या करना है, वहां से आपने ऊपर आना शुरू करना है, कैसे ऊपर आएंगे स्टैक, हम एक्चुअली यहां से ऊपर आते हैं स्टैक में, अब एक तरीका यह है कि आप ऊपर है, जैसे ही आपको डायगोनल मिले आप इसके कोरिस्पोंडिंग जो कैरेक्टर बनता है वो आपसे करवा रहे हैं ठीक है, या इसे कोरिस्पोंडिंग ये वाला कैरेक्टर सेव करना है, या इसे कोरिस्पोंडिंग ये वाला कैरेक्टर सेव करना है, जो भी आप है देखिए इसमें इसने x पास किया है, x का मतलब वो अपेरेंटली ये वाली स्ट्रिंग ले रहा है, माय वाली स्ट्रिंग ले नहीं रहा ठीक है, तो जो मर्जी आप दे ठीक है, अगर वो x लेगा तो इसका मतलब वो i को सेव i को देख रहा है, x i को देख रहा है ठीक है, x i को सेव ठीक है, तो जैसे उसको डायगोनल मिलता है वो उसका इंडेक्स अपना सेव करवा लेता है, और यहां से ये ऊपर आता है, जब जो डायगोनल आते जा रहे हैं वो स्टैक में सेव हो गए, और फिर उसको रिवर्स ऑटोमेटिक किया ठीक है। अब इसने क्या किया हुआ, इसने रिकर्जन से वो काम किया हुआ है, तो रिकर्जन से काम करने के लिए पहले वो रिकर्सिव कॉल कर देता है ऊपर आने की, और फिर वो नीचे एक्स वेरिएबल को प्रिंट करता है, तो बेस केस में वो यहां पर हिट करेगा, फिर यहां पीछे आएगा, अभी जा क्या करेगा, तो फिर वो पीछे ये पहले स्पेल दबा इसको डिस्प्ले करेगा, फिर दबा इसको डिस्प्ले करेगा,
फिर इसको डिस्प्ले करेगा और फिर इसको डिस्प्ले करेगा। अब यहाँ पे अगर दोबारा से यहाँ कुछ भी है तो कौन कौन से कैरेक्टर डिस्प्ले हो गए, वही जो कि हमारे डेटली मैच हुआ है। ठीक है, we move to the next problem, it's called knapsack problem. Really interesting problem. In a sense, के आप एक जगह गए हैं, वहाँ पर कुछ खजाना पड़ा हुआ है और आपके पास एक ही सैक है और आपने उसे भरना है और आप ऑफ कोर्स यू वांट टू मैक्सिमाइज योर ग्रीड, बट देयर इज अ लिमिटेशन। द लिमिटेशन इज के थैला है जो है वो उसके उसकी एक खास लिमिट है, उस लिमिट से को आप क्रॉस नहीं कर सकते। क्यों लेके आए हम लोग, क्यों लेके आए